A new apartment complex purchased 60 toilet and 20 shower heads. If the price of a toilet is 3 times the price of a shower head, what percentage of the total cost was the cost of all shower heads? Okay. So, let's find out the total cost here. That would be equal to 60 toilet heads plus 20 shower heads. तो टी और एस से मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ दिस इज आर टोटल कॉस्ट ओके इन दोनों के बीच में एक रिलेशन गिवन है दैट इज अ टॉयलेट हेड इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द प्राइस ऑफ अ शार हेड अब मैं टी को थ्री एस से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे सो दिस बिकम्स सिक्सटी इंटू थ्री एस प्लस ट्वेंटी एस सो द कॉस्ट बिकम्स वन एटी एस प्लस ट्वेंटी एस थिंग बट टू हंड्रेड एस ये मेरे लिए टोटल कॉस्ट बन गया नाइट इन टर्म्स ऑफ शार्ड अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ कर रहा है वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड परसेंटेज कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा रिक्वायर्ड परसेंटेज के लिए ध्यान देना फॉर परसेंटेज कैल्कुलेशन यू नीड अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विद हंड्रेड फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर और कोई भी परसेंटेज कैलकुलेशन में मुझे बस ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं फाइंड कर लूँ उसे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं डिनोमिनेटर को अज्यूम करने में वो क्या है देर आर सर्टन की वर्ड सच एज ऑफ ऑन दैन फ्रॉम टू विथ रेस्पेक्ट टू एज कम्पेयर टू ये सारी चीज़ें अब जैसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना वॉट परसेंटेज परसेंटेज फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपको ये कीवर्ड्स को ढूंढना है अगर आपको ये कीवर्ड मिल गया उसके बाद जो भी एलिमेंट दिख रहा है वो उस क्वेश्चन के लिए डिनोमिनेटर बन जाता है बेसिक्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कीवर्ड ऑफ और ऑफ के बाद क्या दिख रहा है टोटल कॉस्ट तो डिनोमिनेटर में आ गया टोटल कॉस्ट इन टू हंड्रेड तो हो गई न्यूमिनेटर क्या बनेगा पूरा लाइन पढ़ लो वॉट द कॉस्ट ऑफ ऑल शार हेड्स शार हेड्स के लिए क्या है यू हैव ट्वेंटी एस सो दिस बिकम्स ट्वेंटी एस अपॉन टू हंड्रेड एस इन टू हंड्रेड सिंप्लीफाई दिस वॉट डू वी हैव टेन परसेंट एज आर आंसर ऑप्शन बी सीम्स टू फिट इन हियर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन